खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मडेना कॉलोनी नंबर 7 में हुई बारिश से किसानों की फसल के भारी नुकसान हुआ है। साथ ही किसानों ने वन विभाग पर नाला साफ न करवाने का आरोप भी लगाया है। नाला साफ न होने की वजह से किसानों के खेत में पानी भर जाता है, जिससे खेत की मिट्टी कटने लगती है और फसल का नुकसान होता है, जिससे किसानों को उनकी फसल को भारी नुकसान होता है। इस तरफ वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का तनिक भी ध्यान नहीं है। सरकार जहां किसानों की आय दोगुनी करने के नए नए तरीके अपना रही है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सरकार के मंसूबों पर पानी फिरने से बाज नहीं आ रहे, जिससे किसानों को आए दिन अपनी फसल का भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, क्या मामला है? मामला यही है कि जो नाली है, जो जंगल किनारे वाली, ये नाली अगर साफ हो जाए तो पानी फिर बिल्कुल खेत में नहीं आएगा, और जो खेत का पानी आ रहा है वो अपना अपना नाली में काट के अगर निकाल दें तो ये जमीन नहीं कटेगी हमारी। यही बस मामला है कि वो पानी बस पूरा निकल जाए उसमें। कहाँ रहते हैं? मैं आनपुर चुकटिया ही, कॉलोनी नंबर 7। ये 8 नंबर से लेके पूरा स्कूल, सरकारी स्कूल के पास से लेके नाली जंगल किनारे वाली पूरी साफ होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ कुशवाहा, कॉलोनी नंबर 7, पीएलपुर। कुशवाहा जी, क्या मामला है आपका? मामला यही है कि जो भी बरसात का पानी आता है उत्तर साइड से, वो सब पानी हमारे खेत में गिरता है। वो लोग अपना अपना मेड़ सही नहीं कर पाते हैं, अपनी नाली नहीं बनाते हैं, यही हम लोग को बहुत परेशानी है। अगर वो लोग खेत में से सब नाली काट दें पानी सबके, और जंगल का नाली जो है वो अगर सफा हो जाए तो जंगल का पानी नहीं आएगा, इससे हम लोगों का बहुत नुकसान। नाली पूरा का मामला है, ये बनना है 8 नंबर तक, वहाँ तक रोड तक, सरकारी स्कूल के पास। कौन सा गाँव? 8 नंबर कॉलोनी और 7 नंबर, ये 7 नंबर है मटैना कॉलोनी नंबर 7, खानपुर सियाही कॉलोनी नंबर 7, खानपुर में है, मटैना में नहीं। वही बारिश के चलते खपरेल पोस्ट मकान की खपरेल व एक दीवार गिर गई, इसमें खाना बना रही सास बहू सहित 3 लोग दबकर घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने मुश्किल घायलों को मलबे से बाहर निकाला और उपचार हेतु सीएससी पहुंचाया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताते चले कि थाना मधोटाना क्षेत्र के गाँव रुद्रपुर के मजरा गोडिया निवासी तिलक राम की पत्नी कुसुमा देवी और परिवार के कमलेश की पत्नी पूनम देवी और भांजी किरण के साथ खपरेल पोस्ट घर में खाना बना रहे थे। इस दौरान अचानक पक्की दीवार गिरने के बाद खपरेल भरभराकर परिजनों पर गिर गए। दीवार के नीचे दबकर सभी बुरी तरह घायल हो गए। खपरेल गिरने की आवाज बच्चे का सुनकर परिवार और पड़ोसी लोग दौड़ पड़े। सभी को दीवार व खपरेल के मलबे से बाहर निकालकर आनन फान में उपचार हेतु सीएससी ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा काफी देर उपचार करने के बाद कुसुम और किरण की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूरनपुर पीलीभीत से हिकमत शाह के साथ मुश्ताक अली की रिपोर्ट। ना छुपा रहने दो, छुपा रहने दो।